हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्ट। तो गाइस, आज मैं आपको अपनी वेबसाइट का जो है बैकअप लेने के बारे में बताऊंगा। एक प्लगइन है, फ्री प्लगइन है गाइस, अपड्राफ्ट प्लस। ये देखिए, अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन है। इससे आप बहुत ही ईजिली क्या है जो है अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं और बैकअप को सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव पे, ताकि वो आगे जाते वक्त आपकी बैकअप अवेलेबल रखे हर जगह के लिए। कभी भी आपकी वेबसाइट क्रैश करती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप उसे तुरंत जो है रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं। इतने में आपको बता दूँ, गूगल ड्राइव पे आपका ये बैकअप स्टोर होता है और वो परमानेंटली वही रहता है जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते। इस तरह से एक फोल्डर बन जाएगा, आप खुद देख सकते हैं, अपड्राफ्ट प्लस का एक फोल्डर बना हुआ है। और ये जो स्टोरेज आप देख रहे हैं मेरी, सारी बैकअप मैं यूज़ करके, और जब भी मैं चाहूँ ओपन करके, डेट वाइज होता है, तो जब भी अगर मुझे लगता है ज़्यादा बैकअप हो रहा है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग्स होती हैं गाइस, और जल्दी से हम उन सारी सेटिंग्स को देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लोज और सेटिंग्स पे चलते हैं सीधा। प्रीमियम वर्जन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस आपको लगता है कि ऑटो बैकअप फीचर आपको ऑन करना है। जब भी कोई प्लगइन का अपडेट आता है या वर्डप्रेस का अपडेट आता है, तभी आप प्रीमियम परचेस करेंगे, वरना मैं रेकमेंड करूँगा कोई ज़रूरत नहीं है प्रीमियम वर्जन की आपको लेने की। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट शेड्यूल बैकअप्स के बारे में लिखा है। फाइल्स, डेटाबेस, कुछ भी शेड्यूल नहीं है अभी। एक बार हम बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे ज़रूर, और इसमें हम कर देंगे इंक्लूड योर डेटाबेस, इंक्लूड योर फाइल्स, और इसको भी मैं एक बार टिक कर देता हूँ, यानी कि ऑटोमेटिकली अगर स्टोरेज फुल हो जाए तो ये डिलीट नहीं करेगा, और बैकअप नाउ पे प्रेस कर देते हैं। फिर ये जो है बैकअप अपना क्रिएट होता रहेगा। इतने हम आपको आगे की सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, बैकअप क्रिएट होना जो है स्टार्ट हो गया है, और देखिएगा इस बैकअप क्रिएट हो भी गया है। हार्डली 15 सेकंड्स लगे हैं वेबसाइट का बैकअप क्रिएट करने के लिए। वैसे भी वेबसाइट बहुत छोटी है मेरी, फ्यू पेजेस ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी जो है बैकअप क्रिएट हो गया है। यहाँ से देखिए, मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ बैकअप को, यानी कि अगर इस सेकेंड अगर मेरी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर मैं अपने पिछले घंटे की वेबसाइट को एज इट इज़ रिस्टोर कर सकता हूँ। यहाँ से इस बैकअप को पूरा डिलीट करना तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और मेरे पास ये भी ऑप्शन है, खाली डेटाबेस अपलोड करना है यानी रिस्टोर करना है, खाली प्लगइन्स रिस्टोर करने हैं, खाली थीम्स को रिस्टोर करना है, या खाली जो अपलोड्स हैं मीडिया फाइल्स उनको रिस्टोर करना है। तो इनके भी सेपरेटली मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसे एक बार पूरी वेबसाइट का ही बैकअप ले लीजिए। फिर जब आपको लगता है कि खाली कुछ पार्ट ऑफ द वेबसाइट ही रिस्टोर करना है, तो वो आपके ऊपर रहता है। तो चलिएगा इसे करके सारी सेटिंग्स पे चलते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। बैकअप रिस्टोर कर हमने देख लिया है। माइग्रेट क्लोन में कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या करता है, क्लोन क्रिएट करता है आपकी वेबसाइट का टेम्परेरी समय के लिए, अपड्राफ्ट अपने ही जगह पे, लेकिन उसकी बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बैकअप ले रहे हैं। और अगर आपकी होस्टिंग अच्छी जगह से है, तो कोई ज़रूरत आपको इसकी नहीं है। फिर चलते हैं गाइस मेन सेटिंग्स के टैब पे, और यहाँ पे ये पूछ रहा है फाइल बैकअप शेड्यूल, तो इसको हम कर देते हैं। जैसे वीकली भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेट कर दीजिए फाइल्स बैकअप शेड्यूल, डेटाबेस बैकअप शेड्यूल, ये दोनों आप वीकली पे सेट कर दीजिए। और फिर पूछ रहा है कब तक ये रिटेन करना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप इसको यहाँ पे 8 कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने अप्रॉक्स हो जाएंगे, 8 वीक्स हो गए। 8 वीक्स तक ये जो है अपने आप स्टोर रखेगा, बिल्कुल डिलीट उसको नहीं करेगा। तो ये हो गया गाइस, आपका ऑटोमेटिक शेड्यूल हो गया है, फाइल्स बैकअप शेड्यूल ऑटोमेटिकली हो गया। देखिए, ये मैनुअल का है, हमने यहाँ पे वीकली सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आपको बार बार बैकअप का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैकअप अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे ही सेट कर दिया है, बैकअप हमेशा होता रहेगा। और देखिए, प्रीमियम फीचर ये है कि अगर आपका सर्वर ज़्यादा बिजी रहता है दिन में, तो आप अगर टाइम सेट करना चाहते हैं, तो फिर आप एक प्रीमियम अपड्राफ्ट का ये ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मैं कहूँगा वर्थ इट नहीं है, स्पेशली अगर आपकी नई नई वेबसाइट है। तो आगे चल के नीचे देखते हैं गाइस, ये पूछ रहा है रिमोट स्टोरेज के लिए, कह रहा है कहाँ पे हमें स्टोर करना है, तो हम गूगल ड्राइव पे इसको स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे गूगल ड्राइव पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अब आ गया है गूगल ड्राइव को हमें अटैच करना है, इस लिंक करना है बेसिकली। उससे पहले हम देख लेते हैं गूगल ड्राइव का फोल्डर क्या होगा। अपड्राफ्ट प्लस बैकअप फोल्डर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बेसिकली इस नाम से जो है फोल्डर हमारा सेव होगा गूगल ड्राइव में। और अभी ये मेरे को कह रहा है कि ये सेव चेंजेस करने के बाद दोबारा आना है, तो मैं नीचे चलता हूँ। इंक्लूड फाइल्स इन बैकअप, प्लगइन्स, थीम्स अपलोड, सब कुछ इंक्लूड करना है गाइस। एनी अदर डायरेक्टरीज फाउंड, इसको भी आप इंक्लूड रखना, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी वेबसाइट है उसका बैकअप चला जाएगा। तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी रिस्टोर करना है तो आपके पास हर चीज़ रहनी चाहिए। और गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, और आप सेफ चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेफ चेंजेस पे क्लिक करते गाइस, ये देखिए आ गया है रिमोट स्टोरेज, यानी कि गूगल का हमें ड्राइव से जो है लिंक करना है। तो यहाँ पे क्या रहा है, फॉलो दिस लिंक, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आ गए हैं, मेरी ईमेल आईडी से मैंने लॉग इन कर लिया है, एंड देन मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो बेसिकली अपड्राफ्ट मांग रहा है कि हम गूगल ड्राइव पे खुद सेव कर सकें, तो फिर ये अलाउ कर दिया है। एंड देन ये आ गया कंप्लीट सेटअप, इस पर क्लिक कर देते हैं एक बार, तो हमें ये लिंक पे खोल देगा अलग से, ताकि वो जो वेरीफाई है वो हो जाए।
और अब हम चल के देखते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे कि हमारा जो था गूगल ड्राइव सेलेक्ट हो रखा है और बैकअप जो है हो गया है या नहीं। यू अपीयर टू बी ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड, यानी कि हमारा जो है गूगल ड्राइव पे ये सेलेक्ट हो गया है। अब जो फाइल्स हैं हमारी बैकअप फाइल्स वेबसाइट की, वो इस तरीके से आपको गाइस दिखती रहेंगी अपड्राफ्ट प्लस के एक फोल्डर में गूगल ड्राइव में, अपने आप आती रहेंगी, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है गाइस कि हमने कोई सेटिंग्स चेंज कर दी या फिर कोई ऐसा प्लगइन इंस्टॉल कर दिया जिससे कि पूरी की पूरी वेबसाइट में हमें कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, तो हमें लगता है कि इससे अच्छा मैंने ये नहीं ही करा होता। तब गाइस आपका ये बैकअप बहुत आपको काम में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको अपने जो है पुराने स्टेप्स रिट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं 2 दिन पुराना बैकअप भी है, 1 हफ्ते पुराना बैकअप भी है, वो अपने आप से मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, पूरी अपनी वेबसाइट को कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जाके बैकअप एंड रिस्टोर पे रिस्टोर का बटन दबा देना है, तो वो अपने आप जो है रिस्टोर कर लेगी आपको। और अगर आप चाहते हैं वीकली नहीं करना, तो आप इसको every 2 hours, every 4 hours, कितने सारे ऑप्शन आपके पास, लेकिन वीकली बहुत हो जाता है, क्योंकि मेरे को पता है अगर आप जल्दी जल्दी बैकअप लेंगे तो आपके फाइल्स सारी हो जाएंगी, आपको हमेशा डिलीट करनी पड़ेगी, उसको कोई नीड नहीं है। देन एडवांस टूल्स में हमें कोई भी सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं गाइस, और प्रीमियम तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास प्रीमियम है नहीं। ये देखिए प्रीमियम के फीचर्स दिखा रहा है, क्लोनिंग एंड माइग्रेशन का एक प्रीमियम फीचर हो जाता है। ऑब्वियसली ये पर्सनल सपोर्ट दे देंगे, लेकिन अभी इनकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी मेरे को। आज तक मैंने जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं, फ्री बैकअप इज़ मोर देन गुड एनफ फॉर मी। फिर मैं गाइस आपको लास्ट चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी किसी तरीके से पूरी की पूरी वेबसाइट ही उड़ जाती है, यानी कि वर्डप्रेस पे आपने गलती से कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपकी पूरी वेबसाइट ही चली गई है, आपका एक भी पेज नहीं बच रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको गाइस अपनी होस्टिंग पे जाना है। जैसे अगर आपकी गोडैडी से होस्टिंग है, तो अपनी वहाँ से जो है डेटा पूरा एक बार डिलीट करना है। और घबराइएगा मत, अगर आपके इधर गूगल ड्राइव में अपड्राफ्ट प्लस से फोल्डर है, डेट उसकी कंफर्म कर लीजिएगा, तब आप जाके ये इजीली कर सकते हैं। अपनी होस्टिंग पे जाइए, सारा डेटा जो है वहाँ से डिलीट कर दीजिए वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस को रीइंस्टॉल करिए एक वेबसाइट, उसे फिर से आइए, होम पेज जो है बाय डिफॉल्ट थीम बना होता है वर्डप्रेस का, उधर फिर से आइए, प्लगइन्स पे आइए, ऐड अ प्लगइन करिए, अपड्राफ्ट प्लस के प्लगइन को फिर से इंस्टॉल करिए, एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैकअप्स के नीचे अपलोड बैकअप फाइल्स का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें क्या है ये फाइल जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो इससे क्या होगा, इस अपड्राफ्ट को अपनी खुद का ही एक बैकअप फाइल मिल जाएगी, वेबसाइट की आपकी बैकअप फाइल मिल जाएगी, तो उसको रिकग्नाइज कर लेगा और फिर आपकी वेबसाइट को जो है आपको एज इट इज़ वापस लौटा देगा। कभी कभी गाइस क्या होता है यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आपको रीस्कैन रिमोट स्टोरेज पे क्लिक करना है, तो वो रिफ्रेश करेगा और हो सकता है वो आपको इधर ही दिखा दे अगर आपका वो गूगल ड्राइव से प्रॉपरली लिंक हो गया है या नहीं। तो गाइस बस ये था बैकअप का पूरा किस्सा। बैकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता नहीं होता वेबसाइट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्लगइन्स के अपडेट्स आते हैं, वर्डप्रेस के खुद के अपडेट्स आते हैं, कभी भी कुछ भी क्रैश कर सकता है, तो अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, सारी आपकी मेहनत पानी में जा सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक बैकअप बना के ज़रूर चलिए अपनी वेबसाइट का। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही और डिजिटल मार्केटिंग वीडियोज़ के लिए। अपनी खुद की कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी नीचे आपको मिल जाएंगे, कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।